इंदौर शहर के मेंटल अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के माध्यम से दरअसल ये धमकी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने तुरंत ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल और डिफ्यूज विभाग की तरफ से मौके पर पुलिस पहुंची है। अब सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के DCP राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस तरह के ईमेल देश के अन्य कई अस्पतालों को भी भेजे गए हैं। हालांकि सर्चिंग में कुछ हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। एक जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मेल आया था जिसमें कि एडम लांजा के द्वारा मेल करना बताया गया है, जिसमें और ये मेल इसमें ये बताया गया कि अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें बॉम्ब है और किसी भी समय ये सबोटेज हो सकता है और कई लोग इसमें कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये और उसमें ये लिखा था कि इस जो कि बॉम्ब अटैक के पीछे टेररिज़र 111 ग्रुप है और ये मेल कई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इसमें पता चला है कि देश के कई विभिन्न हॉस्पिटलों को मेल किया गया है। जो मेल की जो आईडी है वो necro93@gmail.com के से ये मेल आया है। फिलहाल थाना बाणगंगा की टीम और इसके अलावा जो BDS की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहाँ पर लगातार पिछले एक घंटे से सर्चिंग